Thank you very much, Dr. Samvit Patra ji. I'm so happy to see so many of you at short notice here. So there must be something about the situation in Punjab which must be responsible for this kind of interest. कुछ दस दिन पहले ही मैंने आपके साथ वर्चुअली मुलाकात की थी. ऑन दैट ओकेजन आई स्पोक अबाउट द वैक्सीन सिचुएशन देयर और वैक्सीन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन खास करके पंजाब में what had happened to the vaccines which had been procured at concessional rates and then sold to private hospitals, which in turn put a markup and made them available to users. We can come back to that later if you have any interest. But today I want to talk about what the Honorable Prime Minister has done for Punjab in the true spirit of cooperative federalism. हमारे मंत्रालय में जो सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी, उन्होंने कल पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जो हैं विनी महाजन जी को एक पत्र लिखा है. उस पत्र के साथ जो केंद्रीय सरकार की तरफ से खास करके पीएम केयर्स फंड से फाइनेंस्ड ऑक्सीजन प्लांट्स, उनके डिटेल्स दिए हैं. दीज आर इन 41 लोकेशंस. उनकी साइट, कौन से हॉस्पिटल के साथ वो प्लांट अटैच्ड है, वो सबकी डिटेल्स दी हैं. मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले पीएम केयर्स फंड के माध्यम से हमने 13 ऑक्सीजन प्लांट्स सैंक्शन किए थे. वो 13 शुरुआत हुई थी उन 13 से, और कल हमने एडिशनल प्लांट्स की लिस्ट भेजी है. और मुझे बहुत खुशी है आपको ये जानकारी देते कि ये 13 प्लांट्स जो हैं, इनमें से कई तो जून के एंड 30 जून तक ही इंस्टॉल और ऑपरेशनल करने का हमारी कोशिश है, और बाकी जो हैं 13 में वो 15 अगस्त तक दे विल बी फुली ऑपरेशनल. पीएम केयर्स फंड्स के अलावा मुझे एक पत्र मिला दिल्ली लंगर सोसाइटी से. उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि वो भी 4 ऑक्सीजन प्लांट्स अपनी तरफ से लगवा रहे हैं. दुनिया भर में कई जगह से, दुबई से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हमारे पास कई रिक्वेस्ट आती रही, और हमारी जो एम्पावर्ड कमिटी है वो इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था एटसेट्रा. आई डोंट वॉन्ट टू burden you with the details, पर ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स है, आई हैव सम फोटोग्राफ्स हियर इफ लेटर यू आर ऑल इंटरेस्टेड, कहां पर जहां पर इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है एटसेट्रा.
even on the supply of essential drugs, कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि centrally procured medicines and supplies, कुछ स्टेट समझती हैं कि they are not getting a fair share. So मैंने पंजाब के लिए I had an analysis done. पंजाब और असम की जो पॉपुलेशन है इट इज रफली सिमिलर 3 crores, वन इज 2.8, द अदर इज 3 something. और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20 करोड़ से अधिक. तो एक मैंने एनालिसिस करवाया अपनी टीम से कि जो सेंटर ने रेमडेसिविर सप्लाई की है पर 100,000 पीपल सेंट्रली सप्लाइड रेमडेसिविर का क्या नंबर निकलता है. फॉर असम इट इज 323 पर 100,000 पीपल. फॉर उत्तर प्रदेश इट इज 264 एंड फॉर पंजाब इट इज 632, विच इज ऑलमोस्ट द डबल ऑफ बोथ Assam and Uttar Pradesh. Now this by itself may not be an indicator which is sufficient because many states procure their own. But for anyone to suggest ki kendriya sarkar ki taraf se they have been shortchanged ya unko unka jo legitimate share banta hai wo nahi diya ja raha, that would be a falsification. Pichli baar jab hum virtually jude the to maine Punjab sarkar ke kuch figures hain, aankde jo unhone aage rakhe, by their own admission they claimed that they had procured 4.29 lakh doses of Covishield at the cost of rupees 13.25 crores, जिसका अगर आप एवरेज निकालें तो वो बनती है 309 रुपए पर डोज. एंड दे हैड प्रोक्योर्ड 1,14,190 डोजेस ऑफ कोवैक्सीन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 4.70 crores, जिसकी एवरेज कॉस्ट बनती है 412 रुपीज, 412 रुपए पर डोज. अस्सी % जो प्रोक्योरमेंट हुई है कोविशील्ड की 309 रुपए पे, जो प्रॉफिटेरिंग का फिगर निकलता है दैट हैज बीन मच हायर देन द फिगर रिपोर्टेड. दैट्स द फर्स्ट सबमिशन आई मेक टू यू. इन्होंने आगे जो 309 रुपए की डोज प्रोक्योर करने के बाद प्राइवेट अस्पतालों को 40 लाख में से 30 लाख तो शायद एक ही अस्पताल को दिए उन्होंने, 1,060 रुपए पे बेचा है तो उसमें 750 रुपए पर डोज प्रॉफिट निकलता है. मेरा मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज को दोहराने का नहीं है क्योंकि वहां पे कई किस्म की वो कहते हैं कोई फतेह किट स्कैम हुआ है. आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल्स बट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस. इनके यहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने बयान दिया उसके बाद कि अगर हम वैक्सीन को कंसेशनल रेट पे लेके जो मुफ्त बांटनी जानी चाहिए लाभार्थियों को दे देनी चाहिए, अगर हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दें, अस्पताल को दें और उसका जो मुनाफा है उसको हम वैक्सीन फंड में डाल दें सो इट इज नॉट प्रॉफिटेयरिंग. ये एक एमपी का बयान है. अब सेंटर सप्लाई कर रहा है आपको वैक्सीन लाभार्थियों को देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अप टू नो कॉस्ट टू दी बेनिफिशियरी, उसको आप प्राइवेट सेक्टर की लेयर्स ऑफ प्रॉफिट
कुछ हमें रिपोर्ट्स मिली कि जो दो अस्पताल हैं चंडीगढ़ में, शायद मैक्स एंड फोर्टिस इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वहां पे तो द कॉस्ट ऑफ द डोज वॉज 3,200 रुपया। एनीवे, इन्होंने ये बयान दिया, साथ में ये भी इन्होंने एक नई दुकान खोल रही है, वो है कि वो सिखी पे सर्टिफिकेट देते हैं, कौन असली सिख है और कौन नहीं है, उसमें मैं आता हूं दो मिनट में। पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके अपनी पार्टी के एक व्यक्ति हैं जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा भाई ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर दीज पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज। सम ऑफ देम थिंक दैट प्रॉफिटेयरिंग ऑन सेंट्रली सप्लाइड मेडिसिन इज लेजिटिमेट। अच्छा, उनके जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने तो शायद स्टेटमेंट दिया कि मेरा इससे लेना देना ही कुछ नहीं है, सो मे बी ही ट्राइड संबित जी टू पुट इट ऑन द सिविल सर्वेंट। मैं तो 39 years I was a civil servant and I have not come across one civil servant जो ऐसा काम ऐसे समय अपनी political leadership की अनुमति के बगैर उनमें करने का ऐसा दम हो, पहली बात। पर ये जो है हमारे colorful representative, और उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई मुनाफाखोरी है ही नहीं, ये तो हमने वैक्सीन फंड में जमा करवाया पैसा, करवाया है नहीं करवाया। उन्होंने और भी बात कही, कही जो बात आज जो कह रहे हैं कि ये प्रॉफिटियरिंग है, वो कहां थे और क्या कर रहे हैं पंजाब के ऑक्सीजन के बारे में। तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 41 ऑक्सीजन प्लांट्स पंजाब के लिए सैंक्शन किए हैं, जिसमें से 13 में से ज्यादातर 30 जून तक लग जाएंगे और बाकी 15 अगस्त तक। तो मैं समझता हूं ऐसे व्यक्तियों को सवाल पूछने से पहले अपने अंदर जांच कर लेनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या महत्व है। कुछ दिन बाद इन्होंने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। दो हमारे राजनीतिक दल हैं पंजाब में, उन्होंने कुछ आपसी समझौता किया और कहा शायद वो चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे। इट इज नॉट माय इंटेंशन और पर्पस टू कमेंट ऑन अदर अलायंसेस और हाउ दे विल शेयर, हाउ विल दे फेयर, वेदर देयर सिंबल्स विल बी हार्मोनियस। बट उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि, और उन्होंने इस पे बड़ा नेगेटिव कमेंट किया कि कुछ पंथिक सीट्स जो हैं दे हैव बीन हैंडेड ओवर टू वन ऑफ दी न्यू पार्टनर्स। नाउ आई एम अ वेरी प्राउड पंजाबी, आई एम अ वेरी प्राउड सिख, मेरे लिए तो सारी पंजाब की जो भूमि है दैट इज पवित्र भूमि एंड ऑल ऑफ इट इज पंथिक। So what he meant by this, I am not clear. But the little I know about Sikhism, वो certificate देते ले लोगों को कि कौन असली सिख है कौन नकली सिख है, पर शायद वो Sikhism का एक basic tenet नहीं जानते। It is an egalitarian religion. There are no differences. We all sit on the floor and partake of Guru ka langar. अगर हमारे में डिफरेंसेस हैं तो बाद में क्रिएट की गई हैं, हमारे सिख गुरुओं के दिमाग में नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने पिछले सालों में पंजाब के लिए सिखों के लिए जो किया है, आई हैव हैड एन ओकेजन टू डिस्कस दिस विद यू, I just briefly mention,
333 Sikhs who were on a blacklist. That blacklist was abolished. Thousands of our brothers and sisters, jo kai desho mein unke kanoon ke tahat they were being oppressed, unko humne sanctuary diya through the new CAA law. 1984 ke riots ke jo accused the, for the first time after many years, action has been taken. Kartarpur Sahib Lehenga corridor was opened. FCRA registration was granted to the Golden Temple. 14 special trains were started connecting important places of for Sikh pilgrims, Delhi, Amritsar, Katra Expressway. Langar service in all Gurdwaras was exempted from GST, giving benefits of around 325 crores. I could go on, the list is very long. But aaj jab main aapko ye 41 oxygen plants ki jankari de raha hoon, wo isliye de raha hoon that this is a part of what the Honorable Prime Minister personally and his government are doing for all states in the country. And Punjab, if anything, I gave you the analysis of the remdesivir distribution as per availability per 100,000 people. Punjab fares much better in the center's distribution list. You can't talk about Punjab these days without mentioning our andatas. Jab pichle varsh, when these draft legislation was before parliament, to kya kaha ja raha tha ki ye koi grand scheme to hand over agriculture and agricultural land to the udyogpatis. Ke MSP jo hai, wo henceforth available nahi hogi. Mandiyan jo hai, wo abolish kar di jayengi. Procurement will not take place under MSP. And I like to remind us that when the procurement season was due, I think this was in the month of October of last year, so the procurement season was process was brought forward by a week so that people could participate. Us samay jo procurement hui MSP ke through record jo pichle saal ka jo figure tha that was exceeded. Jo target tha us season ke liye, that was exceeded. Uske baad more recently wheat procurement, again the target was exceeded. Procurement was much higher than the previous year. So ye jo jhoot phalaya ja raha tha ki MSP hatai jayegi, mandiyan band ho jayengi, kuch mahine mein ek saal will be come, 1 year will be completed. But we didn't stop at that. There was wastage. Hopefully, more private investment will come in the processing, in the cold chains, etc., so we can reduce the wastage and finally eliminate it. But more important, through the direct benefit, the money, 26,000 crores has gone directly into the pockets of our hard-working farmers. Jab maine tweet kiya isko kuch din pehle, Sambit ji, to kisi ne mujhe pucha ki ye to sab theek hai, but iska farm laws se kya lena dena? Humne kaha farm laws to aap padh lijiye, hum aapke saath baith ke padh lete hain. But I thought the purpose of the entire scheme was ke hum apne hard-working farmers ki jeb mein paisa directly jaye, that the wastage should be reduced and finally eliminated, that the money which was being siphoned off to intermediary layers, that benefit goes directly to the farmers. Fir kisi ne kaha ki but mandi ka ye rate
My response to all this is very clear. I think the Honorable Prime Minister personally and the government have made it repeatedly clear ki aapke man mein agar koi doubts hain to we are ready to sit with you. And I reiterate that. बहुत इसमें कमेंटेटर्स हैं, मैं इंडिविजुअली भी लोगों को कभी कभी फोन करता हूं, मेरे कोलीग्स करते हैं कि देखिए अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो, अभी भी हैं रेजिडुअल डाउट्स, तो आप हमारे साथ बैठिए एंड वी आर ओपन टू ऑल सजेशंस, बट द टेम्पलेट हैज टू बी बेनिफिट टू फार्मर्स. अगर आप सिस्टम कई सालों से चला आ रहा है वेयर इंटरमीडियरीज और एटसेट्रा, लेट अस डिस्कस दैट. आई मीन वी आर नॉट अवर्स टू सीइंग हाउ दैट कैन बी, बट इट कैन नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ द फार्मर्स. सो द फार्मर एंड द हार्ड वर्किंग पर्सन हु टिल्स द सॉयल, ही इज द प्राइमरी इंटेंडेड बेनिफिशियरी ऑफ दीज लॉज एंड दैट हार्ड वर्क मस्ट बी rewarded. Anything else, we are willing to discuss. I will confine myself to those comments, but I am quite happy to take subsequent questions. If you have any other areas you want to cover, I am sure between Dr. Patra and me, we will give it a good attempt to respond to all your questions. Thank you. Yes, sir. One by one, we'll move with the questions. मैं आप दिल्ली के बारे में वैक्सीन पॉलिसी की जनरली वी कैन टॉक. ओके, पहली बात तो मैं समझता हूं इसका चुनाव के साथ कुछ लेना देना नहीं है. पहली बात तो हमारी पहली वेव महामारी की, यू नो व्हेन इट केम, वी हैड प्लान्ड इनिशियली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड माय मेडिकली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल सिटिंग नेक्स्ट टू मी विल आंसर. हमारा ये इरादा था कि हम जून के अखीर तक वी वुड हैव एडमिनिस्टर्ड अबाउट 30 करोड़ डोजेस. अभी लेटेस्ट आंकड़ा पता नहीं क्या, माय कॉलीग्स विल टेल मी, बट वी 25-26 crores एटसेट्रा. वी हैव रैम्प्ड अप प्रोडक्शन. देखिए वैक्सीन, वी मस्ट अंडरस्टैंड, इज नॉट समथिंग दैट कैन बी प्रोक्योर्ड ऑफ द शेल्फ. वैक्सीन टू बी अवेलेबल फॉर बीइंग एडमिनिस्टर्ड रिक्वायर्स टू गो थ्रू वेरियस फेजेस of clinical trials. The competent designated authorities must certify it ready for use, and then the authorities give what is called emergency use authorization. India was one of the first countries, one of the first few countries in the world, jinhone humne do manufacturers ko identify kar liya tha. Ek hai which is producing the AstraZeneca vaccine, on which research was done at Oxford, but that institute, Serum Institute, is a very well-established institute. Unka bahut historic role raha hai in international vaccination. Dusra hai Bharat Biotech, etc. To pehle to aap jab chunav ki baat karte hai na, to fir ye political dimension aa jata hai. Main Punjab criticize nahi kar raha hu, main to bata raha hu. हमने ये तय किया था कि हम पहले 50% वैक्सीन प्रोक्योर करके फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे स्टेट्स को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब प्रोक्योर करती है, वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बांटने के लिए नहीं करती, वो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी को करती है. मैं उसकी बात कर रहा हूं. और हमने ये तय किया था कि 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज खुद प्रोक्योर करेंगी, और 25% है वो प्राइवेट सेक्टर एटसेट्रा, वो डायरेक्टली प्रोक्योर करके जो भी रेट्स उस पर करेगा. तो पहली बात तो ये आती है कि जो लोग अभी बात करते हैं
इन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल की, इन्होंने कहा अभी रेडी नहीं है, भारत बायोटेक के अभी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, आप इसको क्यों दे रहे हैं। फिर कुछ सरकारों ने, अब इसमें पंजाब की सरकार नहीं आती पर दिल्ली की सरकार आती है, दिल्ली की सरकार ने ममता बनर्जी सीएम जो है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के, आनंद शर्मा जी, इन्होंने कहा आप सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों प्रोक्योर कर रही है, आप स्टेट गवर्नमेंट्स को करने दीजिए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में डिसीजन वॉज टेकन, अगर वो करना चाहते हैं तो करने दीजिए। पर उन्होंने जब प्रोक्योर करने की कोशिश की, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट गेट द कोटेशंस फ्रॉम द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स, तो बीच में मिडलमैन है, दे स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिव एंड स्टार्टेड सेंडिंग द कोटेशन, देन दे सेड नहीं अब सेंट्रल गवर्नमेंट करिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देन सेड ऑल राइट वी विल डू 75%, दैट इज द इशू। हम क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रोक्योर कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से टू मेक अवेलेबल एज पार्ट ऑफ योर डेजिग्नेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे प्रॉफिट करना गलत है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, चाहे वो पंजाब करे कहीं, पंजाब वाले पकड़े गए हैं क्योंकि वहां पे खुद दे हैड टू विड्रॉ द स्कीम। तो क्यों हुई नहीं हुई, मैं तो उसके मैं वन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव सेड कि ये मुनाफाखोरी नहीं होती है, अगर आप किसी वैक्सीन फंड में पैसा डाल दें, अरे भाई किसका वैक्सीन फंड है, अगर एक लाभार्थी को आपने मुफ्त देनी है उसको आप 1500 रुपए की या 3200 रुपए की दे रही है, वेयर इज द इक्विटी इन दैट, दैट वाज माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रविंद्र जी, आई विल कम टू यू मैम। आज सर इज द डेजिग्नेट, नहीं ही इज द डेजिग्नेट मिनिस्टर फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेजिग्नेट कार्यकर्ता इज मी टू कम फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट आई हैव नो हेजिटेशन इन शेयरिंग माय पर्सनल व्यू ऑन दिस। हिंदी में बताता हूँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पहले बलात्कार की रिपोर्ट आई, अभी जो हो रहा है वहां पे, मैं संबित जी को बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इसको इलेबोरेट करें, बट हमारा शुरू से ये मानना है कि जहां तक किसान आंदोलन है उनके जो मुद्दे हैं, वी आर विलिंग टू एड्रेस दोज इश्यूज, वो तो जेन्युइन मुद्दे हैं, पर ऐसे आंदोलन में कौन अंदर आ गया, क्या उनकी मोटिवेशन है, इसमें कौन कोई गैर कानूनी और जो व्यवस्थाएं हैं, पर इसमें तो पूरी जांच होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चूंकि आपने पूछा, लोकतंत्र में आंदोलन के लिए स्थान है, लोकतंत्र में अपराध के लिए स्थान नहीं है। मैडम वेरी वेल पुट, आप पूछिए मैम, प्लीज आस्क। Absolutely no reaction on that. I mean, you know, West Bengal is a very active state. पुराने जमाने में when I was a student कहा जाता था what West Bengal thinks today, India thinks tomorrow. तो somebody there comes up with a slogan or a poster etc. I have no comments on that. I mean, for every one poster that you get out, there are several other counter. Assertions, etc. West Bengal has just been through an election, and I was particularly, personally, very disheartened to see those instances of post-poll violence. I saw our karyakartas being targeted and violence unleashed on that. And I think the time has come for the state government to, you know, get its act together and to begin governance in terms of the accepted norms of how a state should be governed. Neeraj ji.
नीरज जी, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े किसान आंदोलन इत्यादि और पंजाब में जिस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हुआ है, उन विषयों से जुड़े सवालों का वो उत्तर देना पसंद करेंगे। मुझे लगता है आज का ये प्रश्न जो आपने किया है ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा नहीं हुआ है, अवश्य हम बाद में इसके उत्तर देंगे। देखिए, वी हैव एक्सेप्टेड नॉर्म्स दैट व्हेन समवन हु इज एन एंटाइटल्ड, हाँ जी, कोई भी व्यक्ति जो एंटाइटल्ड होता है अकोमोडेशन की, इन द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जब उनकी मृत्यु हो जाए तो कुछ महीने वो रख सकते हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है उसके अलावा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वी विल मीट सून। थैंक यू।